पैसे देकर बिल लेने के बाद जब आप शोरूम से बाहर निकले और कुछ और पसंद आ जाए तो कितना बुरा लगता है ना जी हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ खैर क्यों आप वो वीडियो के एंड में पता चलेगा चलो करते हैं थोड़ी सी ऑफलाइन शॉपिंग वरना मैं तो ये भी भूल जाऊंगी की ऑफलाइन शॉपिंग करते कैसे है तो सबसे पहले आते मैंने भैया से वैलेंटाइन के लिए जब आउटफिट मांगा तो उन्होंने मुझे ब्यूटीफुल ड्रेस दिखाई जो व्हाइट कलर की थी उसमें थोड़ी सी दाग थी तो मैंने भैया को बोला चलो आप साइड में कर दो क्योंकि वो थी बड़ी ब्यूटीफुल फिर मैं अपने आप निकल गई कोई रेड ड्रेस ढूंढने के लिए और मुझे मिली तो सही है ड्रेस लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका फिट मुझ मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे एक और ड्रेस निकाल के दी जो काफी ज्यादा सेक्सी थी फिर मैंने खुद के लिए एक और ड्रेस निकाली जो लॉन्ग थी इन सभी ड्रेसेस में से सिर्फ एक ही ड्रेस लॉन्ग थी जो मेरे हाथ में थी मैंने अभी तक ऑलमोस्ट चार पांच ड्रेसेस ले ली थी अपने हाथ में जो मैं ट्राई करने वाली हूँ सबसे पहली तो ये है ही ऑफकोर्स लंबी वाली उसके बाद ये एक और वाइट ड्रेस जो बड़ी सिंपल सी बट मुझे लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए और भैया मुझे और भी ऑप्शन दिखा रहे थे बट वो तो मुझे कुछ खास पसंद आई नहीं तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा ट्रायल रूम ये सारे कपड़े मैं लेकर जा रही हूँ सबसे पहले मैं पहनने वाली हूँ ये ब्यूटिफुल सा गाउन जो तो रेड कलर में है अभी इसकी फिटिंग आप देख सकते हो ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी बॉडी पर लेकिन ये में है आई डोंट नो ये कौन सा कपड़ा कपड़ा है बट काफ़ी काफ़ी मतलब सिल्की कपड़ा था था अच्छे से फ्लो कर रहा एंड मुझे ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई बट अभी भी मैं ना इसके नेक लाइन और इसके ना फिट के बारे में ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट नहीं पे या तो आप रेड पहनो या तो व्हाइट पहनो और ये व्हाइट ड्रेस काफी क्यूट थी मतलब इट्स अ क्यूट ड्रेस बट मुझे लगता नहीं है कि वैलेंटाइन डे के लिए सही है इसमें पॉकेट्स भी थी तो ऑफकोर्स वो भी एक प्लस पॉइंट है बट अगर मैं इसको वैलेंटाइन की नजर से देखूँ तो नहीं मतलब उतना मजा नहीं आ रहा और आप मेरे फेस पे वो चीज देख सकते हो अब मैं पहने वाली हूं तीसरी ड्रेस जो काफी ज्यादा क्यूट है थोड़ी छोटी है मेरे लिए बट इसका जो कपड़ा है लेके इसका जो फिट है और उसका जो कलर है वो परफेक्ट है वैलेंटाइन के लिए तो मैं काफी हद तक तो इसके लिए कन्विंस हो गई हूं बट इसकी जो ये लेंथ है ना वो मुझे थोड़ा परेशान कर रही है काफी ज्यादा छोटी ड्रेस है और मुझे लगता नहीं है कि इतनी छोटी ड्रेस पहन के मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो पाऊंगी खैर देखेंगे फिलहाल मैं वापस से बाहर जा रही हूं क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूं कि कौन सी ड्रेस लेनी चाहिए तो मैंने सोचा एक बार मैं ये व्हाइट वाली ड्रेस भी ट्राई करूंगा

लेंथ भी बहुत सही है मेरे लिए मतलब इससे पहले वाली जो रेड ड्रेस थी वो रेड ड्रेस लग अच्छी रही थी बट उसका लेंथ मेरे लिए बहुत ज्यादा छोटा था मैं इसमें कंफर्टेबल भी हूँ इसमें प्रॉपरली मतलब मेरे आर्म्स वगैरह कवर्ड है मुझे ना फुल स्लीव ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद और उसमें भी अगर लेस मिल जाए तो फिर तो क्या कहने और ये बिल्कुल वैसी ही ड्रेस है जैसे मुझे चाहिए तो हाँ मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल कन्वेंस इसके लिए और मैं इसको कर रही हूँ अब बाय एंड ये ड्रेस मुझे पड़ी ढाई हजार रुपए की तो मैंने ही फट से पैक करा ली लेकिन जैसे ही मैं शोरूम से बाहर निकल रही थी ना मुझे ये ड्रेस दिख गई भाई और ये वेन्ेंटाइन के लिए इतनी परफेक्ट थी कि पता नहीं मुझे लग रहा था मुझे ले लेनी चाहिए और जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया तो, oh क्योंकि मतलब लेनी चाहिए थी। आज मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है इसकी जिप हालांकि बहुत टाइट थी मेरे लिए मैंने किसी और की हेल्प ली बट आई एम लाइक रियली अमेज्ड कि, कि कितनी ब्यूटीफुल है तो चलो अभी के लिए तो मैंने सिर्फ पिंक वाली ड्रेस ही ली है क्या करें